राजाओं के दरबार होता है, राजा को दरबार लग रहा है, डौड़ी वाल खड़ा हुआ डौड़ी वाल। अच्छा फिर वो राजा के दरवाजे पर रहता है, वो आके उससे बात करेंगे, ठीक है। पंडित जी जो और बता दो, राम राम वो करे हो या मैं करूं? आपको करनी पड़ेगी, मतलब हम भाई घर आए और हम ही राम राम करेंगे। हाँ। उल्टी हम क्यों करेंगे? करनी पड़ेगी, और हम भाई के घर राजा के बॉडी वन है, उससे करोगे तो वो खुश हो जाएगा, और खुश होगा तो आपकी सूचना जल्दी दे देगा राजा के लिए। पंडित जी तुम पढ़े लिखे ना, और आप नहीं करोगे तो वो कहे ये कहाँ से आया है। एक बात बता, हम एक तो ब्याह करवा रहे हैं और राम राम करेंगे। हाँ करनी पड़ती है। हाँ चलो अरे पाओ। सम्मान्य दर्शकों, ये 10 रुपया जाने माने भाई साहब सतीश चंद्र यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता यानी मासा कुमार बहादुर के सुपुत्र साहब, ये 10 रुपया और 10 रुपया राम बाबू मिस्त्री सनोप सिंह स्वर्गीय जानकी प्रसाद मिस्त्री, ये नाई और पंडित के सीन पर प्रभावित होकर हमारी क्लब में दान देते हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं जाऊं अब जा। हाँ, हाँ, बात करूं। हाँ बात करो। पंडित जी एक बात और बताओ, मैं कौन सी जगह बैठूं? अरे यार बैठे यहाँ खाली हो, वहां बैठ जाता है राजा। खाली जगह वहां आता ही बैठ जाऊं जाकर। आरी पहुंचे राम दूत कोर पावन, हर से नगर दिलोक सुहावन, सुंदर है। ठीक है मैं जाके बात कर रहा हूं। राम राम दीदी। ओ पुद्वार तेन खबर जनाई। क्यों ओ बदतमीज, किसने छोड़ दिया है? छोड़ दिया? छोड़ा नहीं, पैदा हुआ हूं मैं। आजा क्या हुआ? तुमने कहीं ना आई के जी लगा के करिए राम राम। तो मैंने तो डबल जी लगा दी, मैंने कह दी राम राम जी जी। अरे यार जी जी तो बहन के लिए कहते, तो वो नाराज तो हो ही जाएगा। एक बार जी लगाते राम राम जी, और आप तो लगाते हो डबल के राम राम जी जी, तो वो समझेगा मेरी मजाक बना रहा है। हाँ एक बार बोलो। बैठो मैं जा रहा हूँ। राम राम जी। राम राम जी। राम और ठीक हो जी? हाँ ठीक है। और बढ़िया है जी? हाँ जी बढ़िया है। और सुनाओ जी कौन हो जी? हम हम हैं यहाँ के चौकीदार। चौकीदार हो गए, ठीक है। चौच वाले नहीं तो मैं समझो पहले सही करके। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। सही बताओ जी तुम कौन हो जी? हम हैं द्वारपाल यहाँ के। ओ भाई पंडित जी, अब मरे सारे अब मरे यहाँ के। तो क्या बात है, बात तो बता। द्वार पे काल है। अरे काल नहीं डोरी बान होगा। तो क्या दोबारा पूछ के आ रहा हूँ? द्वारपाल। दोबारा पूछ के आ रहा हूँ। पूछ ले ले ले। राम राम जी। राम राम जी। देखो जी तुम सही बताओ जी, हम समझ ना रहे हैं जी। अच्छा तो कतई बेकपूप हो? बेकपूप? तीन बार मैंने नाम बता दिया, अब प्यार से समझ लो। तुम हो कौन ये बताओ? देखिए यहाँ की बातें हम अंदर जाकर कहते हैं दरबार में। अच्छा, और दरबार की बातें यहाँ कर। ओ तब तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। बोले नोना कह रहे कि मैं माहिलू लड़ाई करवा दूं। क्या? अच्छा ठीक है जी। हाँ। हम तुम्हारे यहाँ आए जी। अच्छा कहाँ से आए हो? हम अजी जनकपुर से आए जी। अच्छा कौन कौन हो जनकपुर से? मेरे संग में एक नाव है, मैं पंडित जी। अच्छा आप पंडित जी, आपके साथ में नाई है? मेरे साथ में नाई है। अच्छा शकल तो लगना रोज पंडित जी, ऐसे समझ लो मगते ऐसे आओ धान उखाड़ना पहते। अच्छा एक बात बताओ, हाँ पंडित जी हो ना? कौन से पंडित जी हो तो? पंडित जी बैठो, मैं बता रहा हूँ साहब। पंडित जी तुम कौन से पंडित जी हो? गॉड।
अजी हम गॉड है जी गॉड। अच्छा गॉड पंडित जी हो, मतलब ये गया क्या यहाँ से? अच्छा एक बात बताओ, आप गॉड ब्राह्मण हो? हाँ एक बात बताओ, गोत्र क्या है? गोत्र अभी बता रहे पंडित जी, तुम्हारा गोत्र का है? गोत्र का है? अब जो हिंदी बतानी पड़ेगी लोग जो माने हो तो है ना नाई के गोत्र तो मान ले बता दो कैची और उस तरह गोत्र है हमारो। कैची उस तरह? हाँ ये तो मान ही नहीं हमें। अरे तो यो ये हमारो है। अच्छा तो ये तुम्हारो है? अजी सुन लो जी, हमारा गोत्र है जी कैची उस तरह। ए गधे यो के नहीं कहता है कभी नाइयों को साथ में ब्राह्मण है पंडित। अपने कुतिया को झूठो आटो खपांगो अपने घर से, तो तू सारे मत बार बार को झूठ बोल जा, तू मेरा ही गोत्र बता दो। अरे यार राजन के दरबार में इतनी देर कौन पूछे, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तुम ही बात करो, बात मेरे सामने खड़ा ढाल होना है ना। राधे 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 राधे, ब्राह्मण देव को प्रणाम स्वीकार हो मेरा। खुश रहो खुश रहो। कहिए विप्रदेव क्या आदेश है? हम जनकपुर से आए जी। डोरी बात जी, जनकपुर से हम जनकपुर से आए। बापर कदे पत्थर नहीं पत्र होगा, एक पत्र लेकर आए जो कि भगवान राम ने जनकपुर में धनुष का खंडन किया है। अच्छा जी, तो मैं महाराज को सूचना दूं आप भाई अग्नि पत्र का दे दूंगा। ठीक है जी। भूप द्वार तेने खबर जनाई, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। खुश रहो द्वारपाल, कहो क्या बात है? बात यह है महाराज कि जनकपुरी से नाई और ब्राह्मण आए हुए हैं, वो कोई पत्र का लेकर के आए हैं और आपके दरबार में आना चाहते हैं। और दशरथ नप सुन लिए बुलाई। द्वारपाल नाई और ब्राह्मण देव जनकपुर से कोई पत्र का लेकर के आए हैं। जी महाराज। द्वारपाल उन्हें आदर सहित दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। विप्रदेव आपको महाराज ने अंदर बुलाया है, चलो चलते हैं। हरि करे प्रणाम तेने पाती दीनी। राजा महाराज दशरथ के चरणों में ब्राह्मण देव का प्रणाम स्वीकार हो। अरे विप्रदेव प्रणाम तो हम आपको करते हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए। कार्य प्रणाम तेने पाती दीनी, मोदित मही पोठलीनी। का है गो पंडित जी? नाई के तू यहाँ बिठवा लो। का बात है? अबे यार तू देख तो ले, राजा दशरथ का सिंहासन है। अब सोच का बात, तुम नहीं तो कहीं खाली जगह दे। अरे भैया सुन ले, फांसी है जाएगी, तुम मऊ ले जाओ। तुम नहीं तो कहीं मऊ मरवा दो। तुमने कही खाली जगह कोई राजा मुंह ठनक गो ना तो सीधे फांसी पे चढ़वा। बैठ जाऊ मैं? हाँ आराम से बैठ जाऊ। बैठ जा तू आराम से। कहिए राजा आप आसन ग्रहण कीजिए। मोदित मही पे उठ लेने। विप्रदेव आप कैसी ये पत्रिका लाए मुझे दिखाएं। राजा बारी बिलोचत बाचत पाती, पोलक गात भर आई छाती। राम लखन और करे बड़ी चिट्ठी, रह गए कहते न खटी मीठी। विप्रदेव कहिए राजा
ये मेरे राम और लक्ष्मण के विषय में पत्रिका आई है। विप्रदेव कहिए राजन, क्या तुमने मेरे राम पुनधर धीर पत्रिका वाची हरसी सभावाति सुनी साची। राजन आपके राम और लक्ष्मण ने, हाँ ब्राह्मण देव, इतना वीरता का वीरता दिखाई है जो कि राजा जनक ने, जो कि शिव जी का धनुष था वो इतना भारी था कि उसको कोई हिला नहीं सकता था। और वो एक दिन सीता ने हाथ में उठा लिया तो उसी पे राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को उठा के तोड़ेगा वे मेरा जा माता होगा, सीता को बरेगा। तो आपके पुत्र राम ने उस धनुष का खंडन किया है, उसी के उपलक्ष में ये पत्रिका है। भैया कहो कुशल दो बारे तुमनी के निज नैन निहारे। भैया ब्राह्मण देव, क्या मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपने नैनों से देखा है? हाँ, वे कुशल से तो हैं। हाँ, बहुत ही कुशल है। श्यामल गौर धर धनु भाता तै किशोर कौशिक मुनि साता। मैंने देखा है। बोलो बोलो बोलो। जो श्यामल गौर है वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम है, और जो गौर वर्ण है वो मेरा पुत्र लक्ष्मण है। जा दिन ते मुन गए लबाई तब से आज साच सुध पाई। ब्राह्मण देव कहिए, जिस दिन से मुनराज मेरे दोनों पुत्रों को लिवा करके ले गए हैं उस दिन से मैं आज ही आपके मुखारविंद से ये सच्चे समाचार सुन रहा हूं। अरे खेलत रहे कहां से पाई पाई कहां से पाई सीताराम हरे ओ जय सियाराम हरे जय सियाराम हरे। पुत्र भरत, पिताजी के चरणों में पुत्र शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो पुत्र। हे पिताजी, हमने यह सुना कि हे पूज्य पिताजी बतलाओ यह पत्रिका कहां से आई है? कौशलपुर घर घर आनंद आई है। सुनते तो यह भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम चैंबर का। यदि सच्चे है ये समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है, पर भाई तो अभी आए नहीं कब आएंगे क्या लिखा है? सोने बोले गुर अति सुख पाए हे बेटा भरत। बेटा जो तुम सुन कर आए वो समाचार सब सच्चा है। हे कुल का रंग मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। वो गातने के चेले ने ये धनुष नहीं तोड़वाया है, शिक्षा में कितना बल है ये दुनिया को दिखलाया है। इसीलिए आ सके ना राम यहाँ बंद रहे कड़े बंधन में है। श्री विश्वामित्र महामुन के अब तक वो अनुशासन में है।
हे भरत, पुत्र हे भरत, तुम्हारे भाई को कठिनाई यहाँ आने में, वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। बेटा भरत, इसलिए चलो साथियों से वह घर को लेकर आएंगे। वे बंधन को तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। चलो बेटा भरत, बारात की तैयारी करो। तो फिर अब देरी क्यों, पिताश्री सजवाइए बारात। पंडित जी, अब बारात कहीं संग चलो या चल रहे हो? अरे भैया चल, वहां व्यवस्था दिखवाएंगे। पंडित जी एक बात बताओ, दक्षिणा फचिना तो मिली ना? दक्षिणा मिलेगी यार, तसल्ली तो कर ले कम से कम। दक्षिणा दे पाओ, दक्षिणा के मारे सबर को फल मीठो तो हम तो अपने हम तो अपने कहा जाए कौन छोड़ के आए दक्षिणा पीछे तो। अरे दादा रुक तो जा फिर, अरे मैं कह रहा हूँ यार चुप जा, बार बार दक्षिणा दक्षिणा तसल्ली तो कर। दे बात सुन ले, हर के लड़की पक्ष के तो लड़की का हमारी है वो। अरे हर की ना तो हर के राजा की तो है। अब ऐसे सब की लड़की जो है गांव में दक्षिणा लेंगे काउ पे। अरे कहां जनक पेश ले लेंगे। चलो चलो साहब महादेव पा देंगे, हमें तो दक्षिणा चाहिए। यही देंगे, कोई बात ना। प्रणाम, खुश रहो। वो महाराज तुम्हारा द्वारपाल कहाँ है? द्वारपाल है। देखो हम और तुम तो एक बिरादरी के, बताइए सोई तुम क्या काम कर रहे हैं, सोई हम क्या काम कर रहे हैं? हाँ बताओ। देखो एक काम करो, हमारे यहाँ तीन तरह की बरात नाम है। क्यों? एक तो बालक नाम है। अच्छा। और एक नौजवान नाम है। अच्छा, नौजवान तो नहीं आए? और एक बुढ़े नाम है। बुढ़े भी नहीं आए? बुढ़े भी नहीं आए। अच्छा फिर बरात में आएगा कौन? इनके बीच के सब ले आइयो। अब बीच में कौन रह गया? चौ बालकन के नौजवान के बीच में जितने होने सब ले आइयो। एक बार बताओ तारीख एक हाथ के हो मिले यार उनको क्या होगा? क्यों अब आप कह रहे हैं फायदा बहुत बच्चे? अरे सुनो भाई, आप कह रहे हैं कि बच्चे नहीं आए, नौजवान नहीं आए, बुढ़े नहीं आए। बच्चे क्यों नहीं आए? मैं बात तो सुनो पहले, ये तीन तरह के नहीं आएंगे, लेकिन हम तीन तरह की बात लाएंगे। वो कौन सी? एक तो लाएंगे हम गंजे के सिर पे बाल नहीं। अच्छा, उनको लाएंगे। वो तमाम तमाम बलपन को फोड़ेंगे गंजे। क्यों? और एक लाएंगे हम, अगर बलम गरम है और गरम चांद छुई गई चांद बगैर बाल नुके तो बचा नहीं जरेगी। और क्या होगा? और सुनो, और एक लाएंगे हम यानी काने भाई, जो एक काने को मत लाइयो। वो क्यों? काने को ऐसे मत लाइयो, वो देखेंगे एक तरफ को और जब वहाँ टेंट लग रहा होगा और बिजली लग रही होगी तब एक तरफ देखेंगे। भैया टेंट तो सही है पर इधर की इधर इधर ये लाट नहीं लगवाई है, आंख तो अपनी सही नहीं है, कहेंगे लाट ना लगवाई है इधर। अच्छा दूसरे सुनो, एक लाएंगे हम लंगड़े। लंगड़े को तो बिल्कुल नहीं मत लाइयो। वो क्यों? बात ये है कि देखिए वो देखेंगे किधर को भी चलेंगे तो इधर ये बिछाई नहीं की साहब। अब एक बार बताओ, ये क्षेत्र के आदमी लाएंगे नहीं हम? आप कह रहे बच्चे मत लाना और नौजवान मत लाना और बुढ़े मत लाना और काने ने मत लाना, लंगड़े मत लाना और गंजे मत लाना। फिर कौन सी बरात लेके आए? कहा मत लाइए, हम ही तुम कर लेंगे सब काम। ऐसे कैसे हो जाएगा? राम राम। हेलो, आज हमें बताओ ये 10 रुपए का पुरस्कार पूरन जी सनो श्री खुशीराम जी जो भरत का रोल अदा कर रहे हैं उनके पिताजी। 51 रुपए का पुरस्कार उदयवीर सिंह सनो गजराम जी जो कि हमारे बादशाह सुगलपाल सिंह रामले किरत के जो कोषाध्यक्ष हैं उनके पिताजी। ये सभी दानदाता इस सीन से खुश होकर हमारे रामले किरत में दान देते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। तो राजन अब हम चलते हैं। अच्छा ब्राह्मण देव, कहिए राजन। मंत्रवर, कहिए महाराज। इन्हें नाच को से हीरे मोती जवाहरात
आदि धन दे करके विदा किया जाए। ठीक है, जो आज्ञा मारा। सवरन बस बुलाए और राम विवाह की खबर जला।